अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इतने सारे लोग हैं जिनका पता तो चल जाता है कि वो प्री डायबिटिक हैं, अगर वो किसी टेस्ट वगैरह के लिए जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं ऑफिसेस में होते हैं, या घरेलू खवातीन तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई जाकर अपना चेक करवाएं। तो इतने 70-75% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक कौन लोग होते हैं? जिनको शुगर हुई नहीं होती लेकिन होने वाली होती है, और उसके लिए 3 महीने का एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं HbA1c। वो आपका होना चाहिए 5.6 से नीचे, ठीक है। अगर 5.6 से ज़्यादा है तो आप प्री डायबिटिक के ज़ुमरे में आते हैं। 6.4 का मतलब है कि अब ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। 6.5 का मतलब है कि आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ हो गई है, तो आपको अपने लेवल को, HbA1c लेवल को 5.6 या उससे नीचे रखना होता है। और ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, जब वो अचानक से ऐसे ही जाते हैं, जैसे उस्मान भाई गए, उनको प्रॉब्लम्स हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तो जब वो गए उन्होंने चेकअप कराया तो उनको पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और जो HDL होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं इनको होना चाहिए कम, 100 से नीचे होना चाहिए। HDL आपका जो है वो मर्द हजात का 50 से ऊपर होना चाहिए, खवातीन का 40 से ऊपर होना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और वो उसी वक्त आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो उस वक्त कम होते हैं जब हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में से निकाल देते हैं। बेकरी आइटम्स, मीठा, शुगर, वाइट चीनी, वाइट ब्रेड, इन सब चीज़ों का जब हम अपनी लाइफ से खात्मा कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रिट जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं। जी उस्मान भाई, अब आप अपनी डाइट पे आते हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ साथ थोड़ी सी लोगों को भी अवेयरनेस दे दी जाए कि जाएं अपना चेकअप करवाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। और सांस में होने वाली प्रॉब्लम, समटाइम्स आपको जो है वो खून की कमी भी हो रही होती है, CBC कराएं। अपने विटामिन डी के लेवल्स भी आपको पता होने चाहिए। मेजॉरिटी लोगों में जो होता है वो कम होता है विटामिन डी के लेवल्स, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही होती है। वज़न कम नहीं हो रहा होता, वेट स्टक हो जाता है, आप मोटे हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने बताया, HbA1c अपना टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल अपना, और आप खुश रहें और सेहतमंद रहें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।